वेलकम टू फ्लेवर्स विद शर्मी। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन स्लाइडर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन स्लाइडर्स। पहले हम चिकन स्लाइडर्स की फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर पैन में ले लेंगे मीडियम हीट पे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाइटली सौते करेंगे। अब डालेंगे इसमें चिकन, बोनलेस चिकन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 350 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस हैं। इस तरह से ये ऐड कर देंगे। अब मीडियम हीट पे चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक चिकन को हमने फ्राई कर लिया, इसका कलर अब चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब डालेंगे ड्राई मसाले, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप जितना। और अब कवर करके चिकन गलने तक पकाएंगे। चेक करेंगे चिकन को, चिकन अब हमारी गल गई है। इसे इसी तरह से स्पून की हेल्प से रफली चॉप कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 स्लाइस में कटी हुई कैप्सिकम और 1 स्लाइस में कटा हुआ अनियन। 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे बाद में बेक भी करेंगे। इसमें डालेंगे हरा धनिया और ठंडा करने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब ले लेंगे पाव या डिनर रोल्स, ये मैंने रेडीमेड यूज़ किए हैं, आप अगर चाहें तो घर पे भी बेक कर सकते हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे इस तरह से बीच में से केयरफुली। इस तरह से मैंने कट कर लिया। जिस भी डिश में बेक करना हो उसमें रख देंगे और ये ऊपर वाला पोर्शन पहले हटा देते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज। इसके बाद लगाएंगे केचप, जितना आप चाहें। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून केचप यूज़ कर रही हूँ। अब उस पर रखेंगे फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी थी। अब उस पर हम स्प्रिंकल करेंगे ग्रेटेड चीज़। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। अब जो हमने बंस का ऊपर वाला पोर्शन कट करके रखा था वो रख देंगे। और 180 डिग्रीज पर 10 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। 10 मिनट तक चिकन स्लाइडर्स को हमने बेक कर लिया।
अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।